है कि आप हर उस बुरी नजर से बच रहे हो जो आपके लिए खराब है, हर एक बुरी चीजों से। Hey lovies, how are you all? Welcome you all to my YouTube channel, guys. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, that is feathers दिख रहे हैं। या तो ब्लैक कलर का फेदर दिख रहा है, या तो व्हाइट कलर का फेदर दिख रहा है, या तो ग्रे कलर का फेदर दिख रहा है। इसका क्या मतलब होता है? क्या ये यूनिवर्स का साइन है या यूनिवर्स का साइन नहीं है? क्या होता है इस फेदर को देखने से? क्या मतलब होता है इन फेदर्स को देखने का? मैं आज आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। वेल, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नमस्ते, मेरा नाम रितिका गुप्ता है एंड मैं इस चैनल पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल रेमेडीज, एंजल नंबर, स्विच वर्ड्स, मंत्रास एंड बहुत सारी चीज़ों पर वीडियोज़ बनाती हूँ। गाइज, आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ एक सेकेंड जरूर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, मुझे और अच्छा लगेगा। यूनिवर्स के बहुत सारे साइंस होते हैं जो यूनिवर्स हमें देते हैं। वो साइंस हमें बटरफ्लाइज के रूप में मिलते हैं, कभी हमें कुछ मिलते हैं, लेकिन हम जो यूनिवर्स से साइन मांगते हैं वो हमें दे ही देते हैं, क्योंकि हमारी विश पूरी होने वाली होती है और हम एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें फेदर्स दिख रहे हैं। फेदर्स ब्लैक कलर का हो सकता है, व्हाइट कलर का हो सकता है, या यू नो ग्रे कलर का हो सकता है। पहली बात तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि क्या फेदर दिखना अच्छा या बुरा होता है। तो गाइस, इट्स अ पॉजिटिव साइन। यूनिवर्स खुद बोल रहे हैं, सारी गार्जियन एंजल्स आपको खुद बोल रही हैं दैट येस, वो आपके साथ है। आपकी लाइफ में होप्स बढ़ने वाली हैं, आपकी लाइफ में प्योरिटी आने वाली है, नई नई चीज़ें आने वाली, सारी एनर्जीज क्लीन हो चुकी हैं, सब कुछ लमसम अबंडेंस में आ रहा है आपके पास। डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव साइन होता है। वो फेदर आपको कहीं भी दिख सकता है, घर में दिख सकता है, घर के बाहर दिख सकता है। अगर घर के बाहर गेट पे दिखता है तो ये बहुत 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 ब्यूटीफुल साइन है बाय गॉड। ओके, हो सकता है आप कहीं घूमने गए हो, आपको वहाँ ये फेदर दिख जाए। मतलब कहीं भी दिखने का मतलब तो बहुत ब्यूटीफुल होता है, लेकिन अगर घर के बाहर गेट पे दिखता है तो इसका मतलब बहुत मिराकुलसली होता है। हमेशा जब हमें फेदर्स दिखते हैं तो सारी गार्जियन एंजल्स, जितनी हम स्पिरिचुअल चीज़ें करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वो सब हमें साइन देते हैं कि आप बहुत सही कर रहे हो, आप बहुत सही चल रहे हो। यू हैव टू बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव होइए, क्योंकि आप बहुत सही, ये जो आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, टेक्निक्स कर रहे हो, लाइफ में कैसे भी चल रहे हो, एकदम अच्छे चल रहे हो। नो मैटर उस टाइम पे आपकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, सर पे खड़ी हुई हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत 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 पॉजिटिव इंडिकेशन है जो हमें सारी एंजल्स दे रही हैं, सारे यू नो गार्जियन एंजल्स दे रही हैं और हमारे प्यारे यूनिवर्स दे रहे हैं। नाउ ये क्वेश्चन ये आ जाता है दैट इन कलर्स को देखने का मतलब क्या है, मतलब इन कलर के फेदर्स को देखने का मतलब क्या है। तो हम यहाँ पे एक एक करके सारे फेदर्स की बात करने वाले हैं, क्या मीनिंग होता है। तो पहला जो फेदर आ जाएगा दैट इज ब्लैक कलर का फेदर। नो वन, सब लोग जानते हैं कि हमेशा हम बुरी नजरों से बचने के लिए ब्लैक कलर का धागा बांध लेते हैं, ब्लैक कलर के यू नो कुछ भी हम लोग हाथ में या पैर में पहनते, जिससे हमारी यू नो इवल आइज, नेगेटिविटी से, बुरी नजरों से हम बचे रहते हैं। तो जब भी आपको ब्लैक कलर का फेदर दिखता है तो पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जितनी भी बुरी नजरें हैं आपके आसपास या जो लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ाते हैं ना, वो सबका यू नो काम तमाम है, काम कम इन द सेंस आप उन सबसे बहुत दूर हैं, क्योंकि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं हर तरफ से। आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन गई है। तो जब भी आपको ब्लैक कलर का फेदर दिखता है, इट्स अ वेरी 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 यू नो पॉजिटिव साइन। ये एक बहुत ब्यूटीफुल साइन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ हैं, वो आपको इंडिकेशन देते हैं कि यार मैं आपके साथ बैठा हूँ, घबराने वाली बात नहीं है, जो चाहोगे सब करूँगा। सेकेंड चीज़ जो होती है, गिलहरी बार बार इधर देख रही है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं उचक के ना आ जाए, सॉरी। हाँ, सेकेंड चीज़ जो होती है अगर इस टाइम पे जो लोग ब्लैक कलर के फायदा देख रहे हैं, अगर उस पर्टिकुलर फेज ऑफ द लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, आपको किसी चीज़ का यू नो कहते हैं ना गिल्ट फील हो रहा है, गंदा लग रहा है, तो एंजल्स आपको पहले ही बोल रही हैं दैट माई डियर, हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत, बस अपने काम पे फोकस करते रहिए। जो काम आप कर रहे हो बिल्कुल अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे से चल रहे हो, बहुत अच्छा जा रहे हो, जो आपको रखना है दैट इज़ पॉजिटिविटी रखना है, क्योंकि आपके गार्जियन एंजल्स आपके आसपास हैं एंड आपको हर तरफ से प्रोटेक्ट कर रही हैं। यू नो ब्लैक फेदर देखने का सबसे बेस्ट मीनिंग यही होता है कि आप हर उस बुरी नज़र से बच रहे हो जो आपके लिए ख़राब है, हर एक बुरी चीज़ों से बच रहे हो जो आपको एक यू नो कुछ बुरा यू नो एक प्रकार का प्रॉब्लम देती हैं, उन सब चीज़ों से हमेशा आपको एंजल्स बचा रही हैं। सबसे बेस्ट तरीका यू नो ये है कि जब भी आप इस फेदर को देखो तो बोलो वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, आई लव यू।
बेस्ट थिंग जो आपको इस टाइम पे करना है दैट इज यूनिवर्स का थैंक्स करना है और सब कुछ बढ़िया है. थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज, जब आप इस कलर के फेदर को देखते हो मतलब आपकी लाइफ में कुछ ब्यूटिफुल नॉलेजेबल वाली चीज आने वाली है, तो अब आपको इस पर फोकस रखना है. हो सकता है वो कोई किसी और के थ्रू आए, हो सकता है वो मेरे थ्रू आए, यू नेवर नो, क्योंकि हम सब यूनिवर्स के तो पार्ट है. हो सकता है यूनिवर्स किसी को किसी हमेशा जब भी कुछ चीज़ें होती ना तो हमेशा देखना कोई और इंसान के थ्रू हमें चीज़ें पता चलती हैं, बाद में हमें रियलाइज होता है हाँ यार उस इंसान के थ्रू चीज़ें पता चली, ज़रूर भगवान ने भेजा होगा. एक रूप बोल देना कि आप तो भगवान का रूप हो जो हमें बता देते हो. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये चीज़ फील होती है, डेफिनेटली ऐसा होता है. तो अगर आप ब्लैक कलर की फेदर देख रहे हो मतलब आपकी लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज, बहुत ब्यूटीफुल चीज आने वाली है, तो आप उसके लिए एक्साइटेड हो जाइए क्योंकि आपकी लाइफ में ये ब्लैक फेदर बहुत 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 ब्यूटीफुल चीज़ें करने वाला है. बेस्ट चीज़ ये बता देती हूँ, जब भी इस कलर के फेदर को देखो तो बोल हमेशा अपनी विश को बोला करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करा करिए, दैट इज थैंक यू थैंक यू थैंक यू. नाउ नेक्स्ट कलर दैट इज वाइट कलर का फेदर. अगर आपको वाइट कलर का फेदर दिख रहा है तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल साइन है जो यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं, क्योंकि वाइट कलर का जो फेदर होता है वो आपकी लाइफ में पहली बार तो पॉजिटिविटी लाता है, पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता है, आपकी लाइफ में लव को लेकर आता है. लव इन द सेंस जो पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन पे आप काम करते हैं, यूनिवर्स से जो चीज़ आप मांगते हैं यूनिवर्स आपको हर चीज़ ब्यूटीफुली देता है. वैसे हर फेदर देखने का मतलब यही होता है कि लव आपकी लाइफ में इंक्रीज होने वाला है, होप बढ़ने वाली है, पीस बढ़ने वाला है. जो चीज़ आप लाइफ में अल्टीमेट गोल होता है ना यार, बस यही चाहिए लाइफ में, फिर सब कुछ मिल जाएगा, सब चीज़ यूनिवर्स आपके पास लेकर आता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस एंड थोड़ा हैप्पीनेस के साथ काम करना है. व्हाइट कलर की व्हाइट कलर बटरफ्लाई होने वाली थी पता है ना, व्हाइट कलर का तो ब्लूपर्स हो गए यार सॉरी. व्हाइट कलर का ये जो फेदर होता है ये हमेशा आपकी लाइफ में हर कुछ अच्छा करने के लिए आता है. जैसे कि कोई अपनी लाइफ में कोई बहुत बुरे फेज में होता है लेकिन यूनिवर्स उनको गाइड करते हैं सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है एंड आगे भी होगा, एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है. सेकेंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है दैट इज़ अबाउट दिस फेदर कि आपकी लाइफ के अंदर अब कुछ चीज़ें सही होने वाली हैं. सबसे बड़ा इंडिकेशन इस फेदर का यही होता है कि अब टाइम आ गया है, अब आपकी लाइफ में सब चीज़ें सही होने वाली हैं. तो वाइट कलर का जब भी आप फेदर देखेंगे पहले तो उसको अपने हाथ में रख लेना, अगर मन नहीं हाथ में रखने का तो उसको दूर से देखना एंड उसको थैंक यू ज़रूर बोलना. थैंक यू इन द सेंस ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, उस चीज़ को फील करना यार कि हाँ थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ का पार्ट बनने के लिए, थैंक यू सो मच कि यूनिवर्स ने मुझे साइन दिया यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. ऐसे करके आप उसको गाइड करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा थैंक करना. नाउ थर्ड एंड लास्ट फेदर दैट इज़ ग्रे कलर का फेदर दिखता है, तो उसका मतलब क्या होता है? जब भी आप ग्रे कलर का फेदर देखते हैं मतलब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कुछ प्रकार के चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन कोई बुरे चेंजेस नहीं है, सब पॉजिटिव चेंजेस होते हैं. सेकंड, ये एक पॉजिटिव कहते हैं ना कि शुभ माना जाता है अगर आप ग्रे कलर के फेदर को देखते हैं, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव ओनम पॉजिटिव इसको एकदम शुभ माना जाता है, क्योंकि ये आपके बेटर फ्यूचर से रिलेटेड इंडिकेट करता है दैट आपके साथ अब सब कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है. मोस्टली जब भी आप ग्रे कलर का फेदर देखें तो उसको अपना एक फ्यूचर का इंडिकेशन समझें, क्योंकि खुद यहाँ पे यूनिवर्स आपको इंडिकेट करते हैं कि दैट आपका फ्यूचर बहुत 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 ब्यूटीफुल है. जितना चैलेंजिंग टाइम आपका भी चल रहा है, जितनी फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन सैडनेस गंदी चीज़ें गंदे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उन सब से आपको हटना है, अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करना है. एंजल्स यूनिवर्स आपको हर तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो जो आपका काम है दैट इज़ ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना है. क्योंकि यार देखो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स में उतार लाइफ में उतार चढ़ाव होता रहता है, कभी हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, कभी सैड हो जाते हैं, कभी कुछ चीज़ों को बहुत मिस करते हैं, कभी कुछ चीज़ें होने के बावजूद भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा जब चाहते हैं ना, जब हमें वो चीज़ मिल जाती है तो हम उसकी कदर करना भूल जाते हैं, उसकी कदर नहीं करते. जब तक वो चीज़ चाहिए ना, चाहिए 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 नहीं, बस कहीं से मिल जाए बस पागल हो जाते हैं. जब वो चीज़ हमारे हाथ में आ जाती है फिर हम उस चीज़ को सोचते हैं ठीक है ही तो कर लेंगे काम, रख लेंगे क्या जा रहा है.
तो ये होता है इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करने का तरीका एंड यू नो उसको वैल्यू करने का मतलब। इसलिए गाइज जब भी आप इन कलर की फेदर्स को देखेंगे तो हमेशा समझना दैट आपकी लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें आने वाली हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं हर तरफ से, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स, यूनिवर्स, सब लोग आपके साथ हैं, सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट यू आर गोइंग करेक्ट, यू आर गोइंग राइट। अगर फेदर्स दिख रहे हैं तो इसका बहुत 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 ब्यूटीफुल मतलब होता है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्सल एनर्जीज आपके साथ है, हर इंसान आपको सपोर्ट कर रहा है। नो मैटर कोई हमारा फ्रेंड हमें सपोर्ट करे या ना करे, नो मैटर अगर हमारा कोई फैमिली मेम्बर हमें सपोर्ट करे या ना करे, सुप्रीम पावर का जब सपोर्ट होता है तो हर इंसान पीछे हो जाता है। मैं तो ये मानती हूँ, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब जर्नी आई हैड नो सपोर्ट सिस्टम एक्सेप्ट माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर एंड माय वन फ्रेंड, जिनको आप सब लोग जानते हो। इनके अलावा मेरे पास किसी का सपोर्ट सिस्टम नहीं था, किसी का भी नहीं। कोई वीडियो शेयर करने से पहले भी लग जाता था, कुछ लोग तो ऐसे थे कि वीडियो शेयर करती थी और दो डिसलाइक ऐसे ही फ्री में आ जाते थे, मतलब क्या बोल सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखना कि लोगों का सपोर्ट होना बड़ी बात नहीं है, जब उस सुप्रीम पावर का सपोर्ट होता है तो हर चीज़ मैजिकल हो जाती है, हर चीज़ मिराकुलस हो जाती है। लेकिन जब उस सुप्रीम पावर पे यू नो ट्रस्ट करना है तो वो बिलीफ सिस्टम भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए। मैं आपको मेरी YouTube जर्नी की स्टोरी ज़रूर बताऊंगी कि जब मैंने मेरी YouTube जर्नी स्टार्ट करी थी मेरे साथ कैसी कैसी चीज़ें हुई थी एंड मैंने क्या क्या नहीं करा था। एंड आज आई टेल यू वन डे, डेफिनेटली एक दिन ज़रूर अपनी YouTube वाली सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी कि मतलब यू वोंट बिलीव कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी। सच कह रही हूँ मैं, यू वोंट बिलीव। आप बोलोगे नहीं रहते का हम मान ही नहीं सकते, आप सब लोग यही बोलोगे मुझे पता है, बट डेफिनेटली वन डे आई शेयर माई सक्सेस स्टोरी विद ऑल ऑफ यू गाइज। एंड मैंने क्या करा था जब मैं नहीं ग्रो हो रही थी, मैंने क्या करा था जब एवरी वन वॉज डिसलाइकिंग माई वीडियो। अभी भी बहुत लोग डिसलाइक करते हैं, मुझे पता है वो कौन डिसलाइक कर रहा है, इसलिए आई फील लाइक ठीक है यार तुम व्यू तो बढ़ा रहे हो भले डिसलाइक कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, बस मैं तो यही सोचती हूँ। ओके गाइज, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने समझा है कौन सा ब्लैक कलर का, ग्रे कलर का, वाइट कलर का फेदर हमें क्या बोलना चाहता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है, मैंने आपको सब बताया है। एंड अ व्हाट इफ सीरीज आने वाली है, सो गेट एक्साइटेड। हो सकता है मंडे से हम व्हाट इफ सीरीज की तैयारी करेंगे, लेकिन गाइज मैं यहाँ पे बेसिक से बताऊंगी व्हाट इफ टेक्निक। एंड वीडियोस कंटिन्यूटी में नहीं आ पाएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, या तो सुबह या तो शाम, लेकिन वीडियो जरूर लाऊंगी। एंड प्लीज व्हाट इफ टेक्निक को सब मेरे साथ करेंगे, मेरे साथ सीखेंगे, क्योंकि ये टेक्निक बहुत मिराकुलसली है ना। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे हैप्पी, हैप्पी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, बिकॉज यू ऑल डिजर्व इट। बाय।